सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्याख्यान एक कक्षा नौवीं विषय हिंदी पाठ तीन समास व्याकरण से संबंधित है बेटा। ये इसके पृष्ठ संख्या 140 से 145 पढ़ेंगे और कक्षा परीक्षा चर्चा करेंगे आपके सामने सपनों की याद, जो कि कल ही हुई थी आपकी परीक्षा। इससे पहले हमने व्याकरण के दो पाठ पढ़े हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। दोनों से ही शब्दों का निर्माण किया जाता है, साथ में समास भी एक ऐसा ही है जिससे नए शब्द बनते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं समास की। समास क्या होता है? समास, समास शब्द का अर्थ है जोड़ना, मिलाना, अर्थात संक्षिप्त करना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, अर्थात शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखना, समस्त पद बनता है उसी को कहते हैं समास। शब्द निर्माण प्रक्रिया में तीन चीजें सहायक होती हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। समास क्या होते हैं? जोड़ना, मिलाना अथवा संक्षिप्त करना। इस प्रकार बनने वाले शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। यानी कि जब हम बड़े वाक्यों को, अगर आपने पढ़ा हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो जो शब्द बनता है वही सामासिक शब्द या समस्त पद होता है। इस प्रकार से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समस्त पद। समस्त पद बनाते समय दोनों शब्दों के बीच की विभक्तियां, अन्य शब्द अथवा योजक आदि चिन्हों का लोप हो जाता है। समस्त पद बनाते समय संज्ञा के साथ संज्ञा, संज्ञा के साथ विशेषण का और अव्यय के साथ संज्ञा का मेल होता है। देखिए, जब हम समस्त पद बनाते हैं, अगर आपने समास का विग्रह देखा हो तो उसके साथ कारक चिन्ह लगाए जाते हैं, लेकिन जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उन सभी कारक चिन्हों का, यानी विभक्तियों का या फिर माता पिता जैसे उसमें योजक चिन्ह होते हैं, उन सबका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और समस्त पद बनाते समय हम संज्ञा का या तो संज्ञा के साथ मेल करते हैं, जैसे विद्या जमा में आलय होता है तो विद्यालय, ठीक है, विद्या के लिए आलय, तो के लिए चिन्ह का लोप हो जाता है, तो दो संज्ञा शब्द हमारे पास बच जाते हैं, विद्या और आलय, तो इसलिए बन जाते हैं विद्यालय। अगर हम संज्ञा और विशेषण की बात करें तो जैसे कि हमारा है चरण कमल, चरण है वो कमल के समान है, तो कमल से उपमा दी जा रही है, यानी विशेषता बतलाई जा रही है उसकी, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। तो अव्यय के साथ भी संज्ञा का मेल होता है, जैसे अगर हम अव्ययी भाव समास की बात करें तो भरपेट है, तो भर उसमें क्या है? अव्यय है। तो ऐसे ही हमारे इन सब चीजों का मेल होकर के क्या बनते हैं? समस्त पद बनते हैं। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व यानी पहले वाला पद, उत्तर यानी बाद वाला पद। पूर्व पद जमा में उत्तर पद से मिलकर के बनता है समस्त पद। जैसे कि देशभक्त, अब देशभक्त जो है वो हमारा समस्त पद है, तो देश क्या है? इसमें पूर्व पद है। भक्त क्या है? इसमें हमारा उत्तर पद है। और इन दोनों से मिलकर के क्या बन गया? देशभक्त। ऐसे ही सिर और दर्द, सिर हमारा पूर्व पद है, उत्तर हमारा दर्द है, दोनों के मिलाने से शब्द बना समस्त पद सिर दर्द। अब समास विग्रह पर आते हैं। देखो, समस्त पद तो आपको समझ में आ गया कि पूर्व पद और उत्तर पद मिलने से बनता है और जब हम इसके साथ कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम समस्त पद बनाते हैं तो हम उन कारक चिन्हों का लोप कर देते हैं। लेकिन समास विग्रह क्या होता है? देखो, समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जब हम इनको अलग करते हैं, यानी कि समस्त पद को टुकड़े, जैसे हमने, अगर आपने पढ़ी हो संधि, संधि क्या होती है? संधि दो वर्णों का परस्पर मेल होता है, जबकि समास दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। उसमें क्या होता है? हम वर्णों के मेल को करते हैं, लेकिन इसमें क्या है? हम कारक चिन्हों को बीच में ले आते हैं। तो समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं समास विग्रह। उदाहरण की अगर बात करें, सामासिक शब्द लें या समस्त पद कहें इसको, तो हमारे पास शब्द है रसोई घर और यथाशक्ति। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब हम समस्त पद का विग्रह कर रहे होते हैं तो हमें उस शब्द का अर्थ लिखना होता है कि उस शब्द का अर्थ क्या है। जैसे कि आपने वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ा, तो वही क्या होता है? उसका अर्थ होता है कि जो सब कुछ जानता हो, अर्थात सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है, सर्व मैंने सब कुछ, और जानता है मतलब सर्वज्ञ, तो सब कुछ जानता है। उसी तरह से अब यहां पर हमारे पास शब्द दिया गया रसोई घर। अब रसोई घर का क्या अर्थ होता है? कि रसोई के लिए जो घर बनाया गया है। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। देखो, यथा के दो तीन अर्थ होते हैं। यथा का अर्थ शब्द के अनुसार प्रयोग होता है, यथा का अर्थ होता है जैसे, यथा का अर्थ होता है अनुसार, यथा का अर्थ होता है संभव। तो जैसा जो संभव हो, जैसा संभव हो, जितना संभव हो के अनुसार, अब यहां पर यथा का अर्थ होता है अनुसार, तो शक्ति के अनुसार इसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो वही अर्थ हमारे विग्रह में आता है। जैसे मेरे पास शब्द था रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। विद्यालय बोलूं तो विद्या के लिए आलय। यथाशक्ति तो शक्ति के अनुसार, यथासंभव तो जितना संभव हो या जो संभव हो।
अब आता है कि संधि और समास में अंतर क्या है। देखो संधि और समास में मुख्य अंतर यह है कि संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों या पदों का मेल होता है। संधि युक्त शब्द को अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है, जबकि समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। संधि कैसे कहते हैं, देखो आपने आठवीं कक्षा में संधि पढ़ी होगी। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। और वहां पर हमने सीखा था संधि करो या संधि विच्छेद। उसी तरह से उसको देखो, संधि युक्त शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है संधि विच्छेद करना, और समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है समास विग्रह। विग्रह का मतलब होता है अलग करना। जैसे कि हमारे पास शब्द है हिमालय। देखो अगर मैं संधि की बात करूं तो हिम जमा में आलय, मैं में ए है आ है, ए और आ मिलकर के क्या हुए थे, संधि विच्छेद हुए थे। तो जब जोड़ दिया गया था तो ए और आ मिलकर आ हो गए थे, तो शब्द बना था हिमालय। लेकिन जब अलग किया गया तो हमारे पास शब्द है हिम और आलय, यानी बर्फ का घर। ऐसे ही हिमालय का अगर हम समास विग्रह करें तो इसमें हमारे पास कारक चिन्ह आ जाएगा, विभक्ति चिन्ह आ जाएगा। यहाँ हमें वर्णों का मेल नहीं करना है, यहाँ हमारा शब्दों का मेल है। लेकिन जब हम इसका समस्त पद से विग्रह बनाते हैं तो उसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, अर्थात इसके अर्थ को लिखना होता है। जो अर्थ होता है वही हमारा समास विग्रह होता है। तो हिमालय हिम का, आलय यानी बर्फ का घर। अब आती है समास के भेदों की बात। देखिये समास के छह भेद होते हैं, आपने आठवीं में भी पढ़े होंगे, लेकिन एक बार हम उसकी दोहराई करेंगे। पहला समास है कर्मधारय समास, दूसरा समास है बहुव्रीहि समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है तत्पुरुष समास, पांचवा है अव्ययी भाव समास और छठा है द्विगु समास। देखो संस्कृत की अगर बात करें, अगर आपने आठवीं में पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैसे समास के चार ही भेद मुख्य रूप से माने जाते हैं, ठीक है। तो जो बाकी कर्मधारय समास है या द्विगु समास है वो हमारे तत्पुरुष के उपभेद ही माने जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो अगर बात करें तो समास होते हैं तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। लेकिन हिंदी में प्रचलित होने की वजह से, काफी प्रचलन की वजह से, जब कोई ज्यादा चीज मात्रा में आ जाती है तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर समास के भी छह भेद ही स्वीकार किए गए हैं। कौन कौन से हैं, देखिये कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है और अव्ययी भाव समास और द्विगु समास। देखो सबसे पहले बात करते हैं कर्मधारय समास की। दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, दोनों पदों में उपमान और उपमेय अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। देखो मैं इसमें बता दूं आपको, कर्मधारय समास में दो चीजें होती हैं, एक विशेषण विशेष्य यानी साधारण वस्तु का किसी विशेष वस्तु से तुलना करना, जैसे कि नील कमल, नील गाय, पीत अम्बर, कि नीला है जो अम्बर, पीत है जो अम्बर, ठीक है, और नीला है जो कंठ। तो इसमें क्या है, कंठ की विशेषता बताई कि वो नीला है, पीत अम्बर है तो पीला है अम्बर, यानी अम्बर की विशेषता बताई कि वो पीला है। तो इस तरह से तो ये हुआ विशेषण विशेष्य का संबंध। लेकिन जहां उपमान उपमेय की बात आती है या उपमेय उपमान की बात आती है, तो वहां ये बात है कि उपमान कौन होता है जिससे उपमा दी जा रही है, और उपमेय कौन होता है जो उपमा के योग्य होता है। जैसे मैंने बात की नील कमल, चरण कमल, चरण कमल क्या होते हैं कि कमल के समान चरण, ठीक है। यहां पर क्या है, कमल के समान चरण कहने, अब कमल क्या है, वो विशेष फूल है और उस विशेष फूल से चरणों की उपमा की जा रही है, तो वहां उपमान और उपमेय का संबंध है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये आवश्यक नहीं कि विशेषण पहले आए या विशेष्य पहले आए, जहां भी हो जाता है, कई बार विशेष्य पहले आ जाता है, कई बार विशेषण पहले आ जाता है। अगर उपमान उपमेय की बात करें तो अगर मैं चरण कमल की बात कहूं तो चरण के समान तो कमल नहीं होते, कमल के समान चरण होते हैं। लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो हम विशेष्य पद को आगे, विशेषण पद को आगे ले आते हैं और विशेष्य को पीछे ले जाते हैं। लेकिन लिखने के समय में आप लिख सकते हो, अगर मैं बात करूं नर सिंह है, अब नर के समान सिंह थोड़ी होता है, लेकिन जब विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे सिंह के समान नर, तो वहां विशेषण विशेष्य का संबंध है। ऐसे ही चरण कमल में है कि कमल के समान चरण, तो वहां उपमान उपमेय का संबंध है। तो कैसे भी लिखा जा सकता है, लिखने में कोई नहीं होता, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। फिर आते हैं हमारे समास की बात, तो बहुव्रीहि समास की चर्चा करते हैं कि समास में प्रयुक्त पदों के अर्थ भिन्न किसी अन्य अथवा विशेष अर्थ की प्रधानता हो। देखो पहले ही उसमें बताया गया कि उसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या होता है, क्योंकि कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, किसी अन्य पद की विशेषता को दर्शाया जाता है। देखो किसने क्या कहा कि समास में प्रयुक्त पदों के अर्थ से भिन्न किसी अन्य तथा विशेष अर्थ की प्रधानता, दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अगर मैं बात करूं तो दशानन की ले लो, कि दश है आनन जिसके अर्थात रावण,
ना तो दश का कोई महत्व है ना आनन का कोई महत्व है, ये किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं। अगर मैं बात करूं पीतांबर, जैसे मैंने पीतांबर को कर्म धारे में भी लिया लेकिन वो बहुवरी में भी आता है कि पीत है अंबर जिसके अर्थात कृष्ण, कि पीले हैं अंबर, पीले से भी मतलब नहीं है, अंबर से भी मतलब नहीं है, लेकिन पीतांबर मिलकर किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं। कि नील है जो कंठ तो कर्मधारे, लेकिन नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो नीला और कंठ मिलकर के किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं, ना तो नीला प्रधान ना ही कंठ प्रधान, तो यहां कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। फिर आती है बात द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास क्या होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे घर में माता पिता बराबर होते हैं, दाल रोटी बराबर मानी जाती है, भाई बहन बराबर माने जाते हैं, उसी तरह से द्वंद्व समास कहता है कि पूर्व पद भी प्रधान है और उत्तर पद भी प्रधान है। दोनों पदों का विग्रह ले और भी जुड़ता है इसमें माता और पिता। अगर जहां हमें विकल्प दर्शाना हो कि चाय या कॉफी अथवा एवं शब्दों के द्वारा हम इनका विग्रह करते हैं। आप ये योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ होता है समास। समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अगर आपने अव्यय विशेष पढ़ा हो, क्रिया विशेषण चैप्टर पढ़ा हो, तो उसमें और अथवा ये सब क्या होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक अव्ययों का लोप हो जाता है जब हम इससे समस्त पद बनाते हैं और योजक चिन्ह लग जाता है। अब बात आती है बेटे तत्पुरुष समास की। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है जब हम वो करते हैं ना समस्त पद बनाते हैं तब। इसके भी भेद होते हैं। आपने अगर कारक चिन्ह पढ़े हो, कारक पढ़े हैं ना आपने, उसमें क्या पढ़ते हैं हम, कर्ता कारक पढ़ते हैं। कर्म होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। लेकिन इसमें क्या होता है कि कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता और संबोधन का नहीं होता है। इसमें एक और समास आता है हमारा नय तत्पुरुष समास। देखिये कर्म तत्पुरुष होता है, इसका चिन्ह को होता है, करण का से होता है, संप्रदान का के लिए होता है, अपादान से अलग होने अर्थ में आता है, संबंध का के की अर्थ में आता है, अधिकरण में आता है। इसके विस्तार से चर्चा करेंगे हम। अभी सिर्फ हम समास को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर समास है क्या। फिर आते हैं हमारे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, देखो जिसमें पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। इसमें क्या कहा कि प्रथम पद प्रधान है और वह अव्यय होता है। समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है कि ऐसे शब्द, पूरा पद अव्यय का ही कार्य कर रहा होता है। समस्त पद लिंग विभक्ति तथा वचन से मुक्त होते हैं, इसमें किसी भी विभक्ति वचन का प्रयोग नहीं हो रहा होता, इनसे मुक्त होते हैं। सिर्फ इसमें उस अव्यय शब्द का अर्थ लिखा जाता है। बात आती है द्विगु समास की। इसमें पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। प्रथम पद दूसरे पद के समाहार के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें हम समूहवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे पंजाब के लिए करते हैं पांच आबों का समाहार, नवरात्र के लिए करते हैं नौ रात्रियों का समाहार, द्विगु के लिए करते हैं दो गायों का समाहार। देखो द्विगु समास खुद एक समास में आता है, द्विगु गु मैंने गाय, दो गायों का समाहार जो जहां पर उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाची होता है, इसमें पहला पद विशेषण होता है और वो संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर आता है हमारा विशेष। देखो संस्कृत में द्विगु और कर्मधारय समास को तत्पुरुष का उपभेद माना गया है। बाकी मुख्य रूप से कौन से समास है, चार, तत्पुरुष, अव्यय भाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि। देखो विभिन्न भाषाओं में शब्दों का निर्माण मुख्यतः तीन प्रकार से किया जाता है, उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा तथा समास के द्वारा। पिछली कक्षा में हम उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से निर्माण का, शब्द निर्माण का भली भांति अध्ययन कर चुके हैं। हमने उपसर्गों से शब्द बनाए थे, हमने प्रत्ययों से शब्द बनाए थे, अब हम समास से नए शब्दों का निर्माण करेंगे। भाषाओं में तीन प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। हम समास का विस्तृत अध्ययन करने के साथ साथ समास द्वारा विभिन्न शब्दों के निर्माण के बारे में भी जानेंगे। अब है समास क्या है, अब तक तो सिर्फ उसकी एक संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी थी कि समास होता क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास। संक्षेपीकरण की इस प्रक्रिया में दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। इस प्रकार निर्मित सामासिक शब्दों के प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता, नवीनता एवं सटीकता आती है तथा भाषा सजीव हो उठती है। सामासिक प्रक्रिया में दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न होते हैं, परंतु इनके संयोग से निर्मित नवीन शब्द का अर्थ इनसे भिन्न होता है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए
कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। जैसे उपसर्गों से नए शब्द बनते हैं, प्रत्ययों से नए शब्द बनते हैं, इसी तरह से उपसर्गों से समास से भी नए शब्दों का निर्माण होता है। और इसी निर्माण करने की, शब्दों को बनाने की, संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, संक्षेपीकरण जो होता है, वही क्या कहलाता है, समास। क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं। और इस प्रकार निर्मित सामासिक शब्दों की प्रयोग से संक्षिप्तता, नवीनता यानी नए शब्द आते हैं, सटीकता आती है, भाषा सजीव होती है, एक नया रूप में जाता है उसे। देखो सामासिक प्रक्रिया में क्या होता है, दोनों शब्दों का अर्थ अलग होता है। जैसे कि विद्या और आल्य, विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, आल्य का अर्थ होता है घर। लेकिन जब इनके एक नया शब्द बना विद्यालय, तो उसका हो जाता है विद्या के लिए आल्य, ज्ञान के लिए घर। अगर मैं बात करूं स्नान घर, तो नहाने के लिए घर, स्नान मतलब नहाना होता है और घर का मतलब जहां हम रहते हैं। लेकिन जब इसका अर्थ बनता है स्नान घर, तो नहाने के लिए घर। अगर हम बात करें गौशाला, गऊ के लिए शाला, अब गऊ का अर्थ होता है गाय और शाला मतलब स्थान। अब रहने के लिए गायों के लिए स्थान, तो अर्थ बदल गया उसका। समास की प्रक्रिया में दोनों पदों में क्रम से पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। देखो मैंने बताया था इसमें दो पद होते हैं, कि एक पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा पद होता है उत्तर पद। जैसे कि हमारे पास शब्द है लक्ष्यहीन, लक्ष्य से ही। अब लक्ष्य इसमें पूर्व पद है और जो हीन है वो उत्तर पद है। इनके परस्पर मेल से निर्मित नवीन शब्द को समस्त पद कहते हैं। यानी कि जो इन दोनों के, अगर मैं यहां से विभक्ति चिन्ह को हटा दूं, तो जो बनने वाला शब्द होगा वो होगा लक्ष्यहीन, समस्त पद बन जाएगा। लेकिन लक्ष्य का मतलब हमारा जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, और हीन मतलब अलग हो जाना। लेकिन जब हम इससे शब्द बनाएंगे नया, तो बनेगा लक्ष्यहीन यानी लक्ष्य से अलग हट जाना। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए तथा इनके संक्षिप्त रूपों पर ध्यान दीजिए। पहला शब्द है यज्ञ के लिए शाला। जब मैंने के लिए उपसर्ग का, प्रसर्ग का, विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया, तो शब्द बना यज्ञ शाला। शब्द है संसार रूपी सागर। रूपी शब्द मैंने हटा दिया। देखो कर्मधारय समास जो भी होगा वो रूपी शब्द से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि उसमें मुख्य रूप से विशेषण और विशेष्य का प्रयोग होता है। उसी तरह आता है हमारा सीता और गीता। अगर मैं से और योजक चिन्ह हटा दूं, तो शब्द बनता है सीता गीता। इसमें योजक चिन्ह लगाया जाता है, जबकि यहां पर शब्द लिखा जाता है, योजक शब्द लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा पूर्व पद और उत्तर पद और समस्त पद। कई बार क्या होता है कि उसमें विभक्ति चिन्ह नहीं होते हैं, हम सिर्फ उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि पूर्व पद है हमारा स्व, रचित मैंने रचा हुआ, स्वयं से रचित, गृह स्वामी घर का स्वामी, का चिन्ह का लोप है। मैं सिर्फ बताने के लिए लिखा गया है, वैसे तो यहाँ पर मैं कारक चिन्ह का भी प्रयोग कर सकती थी, लेकिन अर्थ समझाने के लिए किया है सिर्फ ये। भारत रत्न, भारत का रत्न, पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद, और इन दोनों से मिलकर के बन गया समस्त पद। पूर्व पद तथा उत्तर पद में दोनों शब्दों का अपना अर्थ है। दोनों शब्दों के मेल से बने समस्त पद के अंतर्गत आने वाले शब्दों के अर्थ इन दोनों से भिन्न व स्वतंत्र हैं। अर्थ को समझिए। स्व मैंने अपना, रचित मैंने रचा हुआ, गृह मैंने घर, स्वामी मैंने मालिक, भारत मतलब हमारा देश, और रत्न मैंने हीरा या जड़ा हुआ। लेकिन इनके अर्थ की बात करें तो अपने द्वारा रचित, घर का स्वामी, भारत का रत्न या भारत रूपी रत्न। अब बात आती है समास विग्रह की। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं, तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद को अलग अलग अर्थात समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच के परसर्ग अर्थात विभक्ति चिन्ह तथा योजक आदि जो लुप्त हो गए थे पुनः प्रकट हो जाते हैं। जैसे जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं, तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद क्या कहते हैं, संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास विग्रह। समस्त पद बनाने के लिए क्या किया जाता है, संक्षिप्तीकरण किया जाता है। लेकिन जब समास, समस्त पद को अलग अलग कर दिया जाता है, विभक्ति चिन्हों के साथ जोड़ दिया जाता है, तो वो समास विग्रह कहलाता है। देखो समस्त पद को अलग अलग अर्थात समास विग्रह करते हैं, दोनों पदों के बीच में परसर्ग अर्थात विभक्ति चिन्ह यानी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है तथा योजक आदि जो लुप्त हो गए थे पुनः प्रकट हो जाते हैं। यानी विग्रह करते समय समस्त पद बनाने के लिए जब हम कारक चिन्हों का प्रयोग हटाते हैं, लेकिन विग्रह में हम उन कारक चिन्हों को वापस ले आते हैं। जैसे शब्द था हमारा समस्त पद दानवीर। जब मैंने समास विग्रह किया तो मैंने चिन्ह लगाया में, लुप्त होने वाला शब्द क्या था दानवीर में। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, के लिए परसर्ग का लोप किया था मैंने, क्रीड़ा समस्त पद बनाने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र। भय से ग्रस्त मैंने डरा हुआ, तो से परसर्ग का चिन्ह
किया था। देखो यहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। धरने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आप यहाँ पर करण तत्पुरुष मत लिख देना, भय, ठीक है, जुगुप्सा, किसी से स्वार्थ की बात की जा रही हो तो वहां पर हमेशा अपादान कारक का ही प्रयोग होता है। और के लिए संप्रदान में अधिकरण चिन्ह अगर कारक चिन्ह अगर आपको याद होंगे तभी आप तत्पुरुष के सही भेद लिख पाएंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे कि समास प्रक्रिया यानी समास पद बनाना और समास विग्रह में क्या अंतर है। समास प्रक्रिया और समास विग्रह में अंतर, मैंने आपको बताया था कि हम समास प्रक्रिया और समास विग्रह में अंतर जानेंगे। समास प्रक्रिया द्वारा समास पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों अन्य शब्दों का लोप हो जाता है, यानी कि जब हम समास पद बनाते हैं तो उस विग्रह के बीच में आने वाले विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। समास विग्रह प्रक्रिया के द्वारा समास पद के दोनों पदों उत्तर पद व पूर्व पद को अलग अलग करते समय विभक्ति चिन्ह व अन्य शब्द पुनः प्रकट हो जाते हैं। यानी कि जब हम समास विग्रह प्रक्रिया के द्वारा समस्त पद के दोनों उत्तर पद व पूर्व पद को अलग अलग करते हैं, अलग अलग करते के समय विभक्ति चिन्ह में अन्य शब्द पुनः प्रकट हो जाते हैं। यानी कि जब समस्त पद से विग्रह किया जाता है तो जो चिन्ह हम हटा देते हैं समस्त पद बनाने के समय में वो विग्रह के समय में वापस आ जाते हैं। समास विग्रह की प्रक्रिया प्रक्रिया से विपरीत है, यानी कि जब हम समास विग्रह करते हैं और समस्त पद बनाते हैं तो उन दोनों प्रक्रियाओं में अंतर है। समास विग्रह प्रक्रिया के अंतर्गत समस्त पदों के सभी पदों को अलग अलग करने पर दोनों को जोड़ने वाले अंशों को जिनका लोप कर दिया गया है पुनः जोड़ दिया जाता है। यानी कि जब हम समास विग्रह करते हैं उसके अंतर्गत जब हम पदों को अलग अलग करते हैं जिन अंशों को हम बीच में लाते हैं यानी कि जिन विभक्ति चिन्हों को हम बीच में लगाते हैं समस्त पद बनाते समय उन्हें जिनका लोप कर दिया जाता है उससे विग्रह की प्रक्रिया में दोबारा लाते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, अगर बात करें कि समस्त पद बनाते समय हमें उन विभक्ति चिन्हों का लोप करना होता है और समास विग्रह करने के समय में हमें उन विभक्ति चिन्हों को लगाना होता है। अब बात है समास प्रक्रिया और है एक समास विग्रह प्रक्रिया में अंतर। यह है हमारे समास पद बनाने की प्रक्रिया वन गमन और समास विग्रह प्रक्रिया है वन को गमन। जब हमने समास पद बनाया तो हमने इस को चिन्ह का लोप कर दिया तो बन गया वन गमन, और जब हमने समास विग्रह किया तो हमने इस चिन्ह को ले आए तो बन गया वन को गमन। राजपुत्र राजा का पुत्र, समास पद बनाने के समय में का चिन्ह का क्या कर दिया गया लोप। जल धारा जल की धारा, समास पद में क्या कर दिया गया की परसर्ग का विभक्ति चिन्ह का लोप। महान है जो राजा है और जो जो अन्य शब्द थे उनका लोप कर दिया गया, शब्द बना महाराज। धूप दीप धूप और दीप और शब्द का क्या कर दिया गया योजक चिन्ह लगा करके उसका लोप कर दिया गया। समास के विषय में ध्यान रखने योग्य बातें, दो या दो से अधिक पदों के योग से बने समस्त पद जो शब्द होते हैं वो समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद या सामासिक शब्द बनाते समय दोनों शब्दों के बीच परसर्ग अन्य शब्द या योजक अव्यय आदि शब्दों का लोप हो जाता है। वही बात हुई ना कि समस्त पद बनाने के लिए दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग होता है और जब इनको समस्त पद बनाया जाता है तो बीच में आने वाले विभक्ति चिन्ह में अन्य शब्दों का लोप कर दिया जाता है। समस्त पद के दोनों पदों का क्रमशः पूर्व पद तथा उत्तर पद कहते हैं, यानी कि पहले वाले पद को पूर्व पद कहा जाता है, बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद या तो मिलकर लिखे जाते हैं या फिर योजक चिन्ह लगाकर लिखे जाते हैं, जैसे माता पिता सर्दी गर्मी योजक चिन्ह लगाकर लिखे गए हैं, राजदूत रेल यात्रा मिलकर लिखे गए हैं, इनमें योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता। योजक चिन्ह का प्रयोग आपको बेटा ज्यादातर द्वंद्व समास में ही देखने को मिलेगा, बाकी जगह पर ये हमें मिले हुए ही दिखाई देंगे। समास का तात्पर्य है संक्षेपण यानी छोटा करना। इसके प्रयोग से ध्वनि रूप रचना वाक्य रचना तथा अर्थ चारों स्तर पर संक्षेपण होता है, यानी कि ध्वनि के आधार पर होता है, रूप रचना के आधार पर होता है, वाक्य के आधार पर होता है, रचना तथा अर्थ के आधार पर होता है, यानी कि इन्हें छोटा किया जा सकता है। बोल करके रूप अलग बना करके वाक्य निर्माण के द्वारा तथा अर्थ के आधार पर। समास तभी बनता है जब पदों में अर्थ तथा प्रयोग के स्तर पर संगति हो, यानी समास तभी कहलाता है जब उन पदों का कोई अर्थ होता है, बिना अर्थ के प्रयोग के आधार पर उसका अर्थ व्यंजित नहीं किया जा सकता। ध्यातव्य यानी ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि अधिकतर छात्रों में संधि और समास के बीच भ्रम की स्थिति बनी रहती है, इससे बचने के लिए सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि संधि दो वर्णों का मेल होता है जबकि समास के अंतर्गत दो शब्दों अथवा पदों का मेल होता है।
संधि की परिभाषा क्या होती है, दो या दो स्वर या दो व्यंजनों का या व्यंजन और स्वर के मेल होने से जो भी परिवर्तन होता है वो संधि कहलाती है, जबकि दो पदों का या दो से अधिक पदों का जो मेल होता है वो समास कहलाता है। समास की अगर एक परिभाषा करें तो शब्द निर्माण विधि को भी समास कहते हैं, अगर तीसरी परिभाषा लें तो वाक्यांशों यानी संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो भी समास कहलाती है। तो संधि की एक साधारण सी परिभाषा है क्या कि वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। समास प्रक्रिया में शब्दों का अर्थ बदल सकता है लेकिन संधि में शब्दों का अर्थ नहीं बदलता है। जैसे पीत अंबर का शब्द संधि विच्छेद देखे, पीत और अंबर, पीत का मतलब पीला अंबर मैंने वस्त्र यानी पीला वस्त्र, जबकि समास वगैरह में क्या होता है कि पीला है जिसका अंबर अर्थात कृष्ण, तो ये पूरा का पूरा अर्थ बदल गया। समास के छह भेद होते हैं जो निम्नवत हैं यानी नीचे लिखे हुए हैं, जैसे कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के भी अपने भेद होते हैं, कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण तथा न्याय तत्पुरुष। उसके अलावा कर्मधारी अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, इन समासों का वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं, अब हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। कई विद्वानों ने पदों की प्रधानता के आधार पर तत्पुरुष अव्ययी भाव बहुव्रीहि तथा द्वंद्व नामक समास के चार भेद ही बताए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में इन चार भेदों को ही ग्रहण किया जाता है, कर्मधारय समास और द्विगु समास को तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है। बात आती है तत्पुरुष समास की। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय पूर्व पद के साथ आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है। देखिए समस्त पद में क्या होता है, तत् मैंने वह, पुरुष मैंने जो, पुरुष है अर्थात वह पुरुष यानी पुरुष के साथ यानी कि कारक चिन्हों के प्रयोग के साथ हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि समस्त पद बनाने के समय में हम पूर्व पद के साथ आने वाले परसर्ग चिन्ह कौन से होते हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं। तत्पुरुष समास के भेदों की अगर हमने बात की थी तो कर्म तत्पुरुष था, करण था, संप्रदान था, अपादान था, संबंध था और अधिकरण था, इनके साथ आने वाले कारक चिन्हों का लोप हो जाता है समस्त पद बनाते समय, और पूर्व पद की कोई वो नहीं होती जगह है, उत्तर पद के माध्यम से ही पहले पद को व्याख्यान किया जाता है, उसको समझाया जाता है। तत्पुरुष समास का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। गौण का अर्थ होता है छिपा हुआ, उत्तर पद और प्रधान का होता है जो मुख्य है, अर्थात मुख्य रूप से जिसकी विशेषता बताई जाती है वही क्या होता है, प्रधान होता है, और जो गौण होता है वो छिपा हुआ होता है। पूर्व पद अपने उत्तर पद की विशेषता बतलाता है, यानी कि पहला पद है वो उत्तर पद के विषय में ही बता रहा होता है, इसलिए उत्तर पद की विशेषता बढ़ जाती है। स्पष्टीकरण करें तो सेनापति में सेना पूर्व पद है, पति जो शब्द है वो उत्तर पद है, इसमें सेना गौण है और पति जो है वो प्रधान है, इसकी ज्यादा वैल्यू है, इसकी नहीं है, ये तो सेना है लेकिन पति क्या है, मुख्य रूप से है इसमें। तत्पुरुष समास में विग्रह में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के चिन्ह आ जाते हैं, कर्ता ने नहीं होता और संबोधन नहीं होता, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की अधिकरण में और पर, इन चिन्हों के साथ ही इन समस्त पदों का विग्रह होगा। अगर मैं आपको बताऊं तो हम सिर्फ समास में क्या करते हैं, उन शब्दों का अर्थ ही लिखते हैं, उस अर्थ करने को ही हम समास विग्रह कहते हैं। संस्कृत में तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिनका समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता, लेकिन जब ये शब्द हिंदी में आए तब से इनके विग्रह में कारकीय चिन्ह प्रयुक्त होने लगे हैं। देखिए संस्कृत में अगर हम बात करें, मनसिज है, सरसिज है, इन शब्दों युधिष्ठिर है, इनमें युधि जमा में स्थिर, युधिस्थिर, युधिस्थिर मैंने युधि में, युद्ध में स्थिर रहने वाला, इनमें नहीं होता, लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम हिंदी में लिखते हैं तो युद्ध में स्थिर रहने वाला, टिके रहने वाला, मनसिज यानी मन में उत्पन्न होने वाला, लेकिन जब संस्कृत में लिखता है तो मनसी सप्तमी के एक वचन में ही बनता है, तो वहां पे कारकीय चिन्हों का लोप नहीं होता। जैसे युधिष्ठिर है, देखो अगर हम बात करें तो संस्कृत में युधि और स्थिर ही लिखा जाता है, युधिष्ठिर, देखो इसमें युद्ध में होता है इसका अर्थ, स्थिर मैंने रहने वाला, युद्ध में रहने वाला हिंदी में आ गया, लेकिन हिंदी में आने पर हमने इसका कारक चिन्ह क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ऐसे ही सरसी ज, सरसी मतलब सरोवर में, सप्तमी का एक वचन बनता है, सरस शब्द होता है, मनस होता है तो मनसिज होता है, मनस से बनता है मनसी, सरस से बनता है सरसी, यानी कि सप्तमी के एक वचन में है, जब इसकी हिंदी करेंगे तो बनेगा सर में उत्पन्न। तो जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो संस्कृत में इस विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता। हिंदी में लिखा जाता है सर में उत्पन्न यानी कि कमल, अधिकरण तत्पुरुष।
तत्पुरुष में कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिनमें विग्रह करते समय कारक चिन्ह के साथ उत्तर पद पूर्व पद के संबंध को भी व्यक्त करता है। कई बार ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने आ जाते हैं कि कारक चिन्ह उत्तर पद के साथ साथ पूर्व पद के संबंध को भी बनाता है, जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, रेलगाड़ी, रेल यानी पटरी पर चलने वाली गाड़ी। लेकिन जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो इस पूरे शब्द का क्या कर दिया जाता है, मध्यम पद लोप हो जाता है, बीच के पद का पूरी तरह से लोप हो जाता है, इसे हम मध्यम पद लोपी समास भी कहते हैं। जिन तत्पुरुष समास में समास का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता ऐसे सामासिक शब्दों को उत्तर पद कहते हैं, यानी कि जिनमें क्या होता है कि इनका विग्रह नहीं होता है, ये ऐसे के ऐसे ही लिखे जाते हैं, जैसे पंकज, ठीक है, पनडुबी, पंकज का मतलब होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, पनडुबी यानी पानी में डूबी हुई, तो इनके विग्रह नहीं होते हैं, इन्हें सिर्फ समस पद के रूप में यानी उत्तर पद के रूप में ही लिखा जा सकता है, इनका अपने अलग से प्रयोग नहीं किया जा सकता। तत्पुरुष समास की रचना निम्न प्रकार से होती है, पहले होती है संज्ञा का संज्ञा के साथ मेल होने पर, जैसे राजा का दूत, राजा भी तत्संज्ञा है, दूत भी संज्ञा है, शब्द बना राज दूत, सिर भी संज्ञा है, दर्द भी संज्ञा है, शब्द बना सिर दर्द। संज्ञा का विशेषण से मेल होने पर गुण से हीन, गुण क्या है हमारा विशेषण में आता है, हीन अलग हो जाना। जन्म से अंधा, अंधा होना एक विशेषण है, जन्म मतलब संज्ञा। शरण में आगत मतलब आया हुआ, शरण मतलब संज्ञा, तो विशेषण और संज्ञा के मेल से भी होता है यहाँ पर मेल। फिर आता है तत्पुरुष समास के भेद। देखो तत्पुरुष समास में सबसे पहले आते हैं हम कर्म तत्पुरुष समास पर, जहाँ कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है, जैसे परलोक गमन परलोक को गमन, जेब कतरा जेब को कतरने वाला या काटने वाला, स्वर्ग गत स्वर्ग को गत यानी गया हुआ, पद को प्राप्त पद को प्राप्त, मरणासन मरने को पहुंचा हुआ, आसन मैंने समीप, सुख प्राप्त सुख को प्राप्त, यश प्राप्त यश को प्राप्त। जब हम इनसे समस्त पद बनाएंगे तो इसको पर सर्ग चिन्ह का हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, इनका अर्थ ही इनका विग्रह होता है, और इस विग्रह में आने वाले समस्त कारक चिन्हों को हटाने पर जो शब्द बनते हैं वो होते हैं समस्त पद। करण तत्पुरुष क्या होता है, जहाँ करण कारक की विभक्ति या से या के द्वारा का लोप होता है वहाँ करण तत्पुरुष समास होता है, जैसे मन माना मन से माना, रस भरी रस से भरी, सूर रचित सूर से रचित, यहाँ पर से पर सर्ग का क्या कर दिया गया, लोप कर दिया गया। शाप ग्रस्त शाप से ग्रस्त, हस्त लिखित हाथ से लिखित, गुरु दत्त गुरु के द्वारा, दत्त मैंने दिया हुआ, मद मस्त यानी मद से मस्त, नशे में से मस्त, अनुभव जन्य यानी अनुभव से जन्य, ये सारे जो चिन्ह है बेटा ये करण कारक के हैं, आपसे देखकर इसे आप अपादान नहीं लिखेंगे क्योंकि इनकी सहायता से काम हो रहा है, जबकि अपादान कारक में अलग होने का भाव आता है। अब आपका गृह कार्य बेटा तत्पुरुष समास के अन्य भेदों के बारे में हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे, ये हमारे दो थे कर्म और कर्ण, संप्रदान कारक यानी संप्रदान तत्पुरुष के बारे में हम कल अगले व्याख्यान यानी दूसरे व्याख्यान में पढ़ेंगे, कर्मधारय समास के विषय में पढ़ेंगे और आगे आने वाले व्याख्यानों में हम अगले समासों की भी चर्चा करेंगे। आपका पहला प्रश्न है कि समास किसे कहते हैं, ये आपको अपनी साफ उत्तर पुस्तिका में लिखना है। समास विग्रह किसे कहते हैं, उदाहरण सही स्पष्ट कीजिए। समास के कितने भेद हैं, भेदों के नाम लिखो। समास रचना में प्रयुक्त पद कौन कौन से हैं, ये भी मैंने चर्चा की थी पहले, उसको अच्छी तरह से समझना व्याख्यान को, तब आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तत्पुरुष समास के उपभेदों का परिचय से उदाहरण दीजिए कि मैंने कौन कौन से उपभेद आपको बताए हैं तत्पुरुष समास के, उनके नाम लिखने हैं उदाहरण के साथ। ये आपकी कल की परीक्षा है बेटा, उसका हल हम कर लेते हैं। पहले आपकी परीक्षा दी थी सांवले सपनों की याद की, पहला प्रश्न था कि कृष्ण की वंशी बजाने से कहां की दुनिया संगीतमय हो गई थी, पहला प्रश्न का उत्तर है वृंदावन। सालिम अली की मृत्यु किस कारण हुई थी, कैंसर से। सालिम अली की मदद किसने की थी, उनकी पत्नी तहमीना ने। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था, तहमीना। सालिम अली प्रधानमंत्री किसे बचाने के लिए मिले थे, केरल की साइलेंट वैली को। सालिम अली किस प्रधानमंत्री से मिले थे, बेटा चौधरी चरण सिंह से। सालिम अली की आत्मकथा का नाम क्या था, फॉल ऑफ ए स्पैरो, दूसरा उत्तर है इसका। डीएच लॉरेंस किस क्षेत्र से संबंधित थे, प्रकृति प्रेमी थे वो। फ्रीडा से ज्यादा लॉरेंस के बारे में कौन ज्यादा जानती थी, उनकी छत पर रहने वाली गोरैया। गोरैया का कंठ कैसे रंग का था, नीला था। कमजोर काया वाले व्यक्ति पर निगाह डाली जाए,
कमजोर शब्द व्याकरणिक दृष्टि से कैसा शब्द है बेटा, यहाँ पर विशेषण है कि काया कैसी है, कमजोर। सांवले सपनों की याद के पाठ के लेखक हैं सालिम अली प्रेमचंद या जाबिर हुसैन? जाबिर हुसैन, सालिम अली के तो बारे में उन्होंने लिखा था। सांवले सपनों की याद का पाठ्य का विषय क्या है? सालिम अली का व्यक्तित्व। सांवले सपनों की याद साहित्य किस विधा में लिखा गया है? डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है, मैंने आपको व्याख्यानों में समझाया था। सालिम अली चाहते थे कि लोग जंगलों पहाड़ों झरनों को किसकी नजर से देखें? पक्षियों की, प्रकृति की, जानवरों की या मनुष्य की? प्रकृति की नजर से देखें। कौन सा शब्द वाटिका का पर्याय नहीं है? उपवन भी होता है, उद्यान भी होता है, अभ्यारण भी होता है, आराम नहीं होता है। पर्यावरण का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है बेटा? परी जमा में आवरण, अगर आपने संधि पढ़ी हो तो ई को यह होता है, आ उसमें मिल जाएगा, बन जाएगा पर्यावरण। और अगर आपने उपसर्ग पढ़े हो तो भी ई को क्या हो जाता है, यह शब्द बनता है पर्यावरण। सालिम अली कहाँ विलीन होने वाले थे? प्रकृति में विलीन होने वाले थे। शती का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या है? पति की चिता के साथ जल जाना, वो सती होता है। देवी जैसे पूज्य हो जाना सती, सदैव सत्य बोलने वाली स्त्री सती। 100 साल का समय यहाँ शती से मतलब है। सालिम रूपी पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा क्यों नहीं गा सकेगा? क्योंकि वह मृत्यु को प्राप्त कर चुका है, अब वह गाना नहीं चाहता, उसका गला खराब हो चुका है, ये सरकार ने उस पर कर लगा दिया है, वह मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। सालिम अली कौन थे? सालिम अली प्रसिद्ध समाज सेवी थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे या प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे? प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। नैसर्गिक का अर्थ इनमें से कौन सा है? कृत्रिम है, प्राकृतिक है, स्वर्गिक है या हार्दिक है? प्राकृतिक है। यह सफर पिछले सफरों से कैसे भिन्न था? इस बार कोई पक्षी उनके हाथ नहीं लगा, इस यात्रा में उन्हें समय लगेगा, इस सफर में अधिक दूर नहीं जाएंगे, इस सफर के बाद वे कभी नहीं लौटेंगे, इस सफर के बाद वे कभी नहीं लौटेंगे। सालिम अली की दुनिया में किसका विशेष स्थान था? वे दुनिया को जादू नगरी मानते थे, वे प्रकृति के रहस्य को जानने को उत्सुक रहते थे, वे दुनिया की माया नगरी मानते थे, इनमें से कोई नहीं। वे दुनिया को जादू की नगरी मानते थे, नहीं, वे प्रकृति के रहस्य को जानने को उत्सुक रहते थे। उनकी आंखों की रोशनी किस उद्देश्य से बची थी? पक्षियों की सुरक्षा के लिए, पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, पक्षियों के शिकार के लिए या इनमें से कोई नहीं? पक्षियों की सुरक्षा के लिए। तो ये थे हमारे प्रश्नोत्तर हल। मिलेंगे कल अगले व्याख्यान में समास की अगले की चर्चा के साथ। मिलते हैं, धन्यवाद।